चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में कहां कहां कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, कहां पर निवेश के मौके तलाशे जा सकते हैं और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोने और चांदी में सुबह के मुकाबले इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में हल्की सी, बहुत ही मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड इस वक्त $1928 पर ट्रेड कर रहा है और चांदी $25.2 पर। सुबह के सत्र में भी लगभग यही लेवल्स थे और शाम में भी लगभग यही लेवल्स ही देखने को मिल रहे हैं सोने चांदी की कीमतों के अंदर। कुछ ज़्यादा खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है सोने चांदी में। आज सुबह जो बाजार था बढ़त के साथ खुला था, वहीं आज शाम होते होते जो सोने चांदी का जो बाजार है वो कुछ हल्की सी, बहुत ही मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि WTI $109 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $115 पर। WTI में सुबह के मुकाबले हल्की सी मामूली सी गिरावट बनी है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $115 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। दोनों ही लाल निशान पर हैं, लेकिन जो कीमतें हैं आज हमने सुबह को कच्चे तेल की बढ़ते हुए देखी थी। दरअसल ये जो कच्चे तेल के जो इंटरनेशनल रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से कच्चा तेल दोबारा से $100 के नीचे लुढ़केगा प्रॉफिट बुकिंग के चलते, या फिर यहाँ से कीमतों में और तेजी आएगी, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। नमस्कार अखिलेश जी। अनुज जी, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में हमने आज दोबारा से तेजी बनते हुए देखी है। जो कच्चा तेल $100 के नीचे लुढ़का था, अचानक से $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल अब यहाँ से तेजी की ओर ही रहेगा या फिर $100 के नीचे फिर से लुढ़क सकता है? देखिए, कच्चे तेल में जो मोमेंटम है वो बिल्कुल स्टेटमेंट के ऊपर चल रहा है। जैसे जब स्टेटमेंट आती है रशिया यूक्रेन से, वैसे ही मोमेंटम होता हुआ दिखता है। तब तक हम देख रहे थे कि जो युद्ध है वो बढ़ता हुआ दिख रहा था, अभी भी देखें तो वॉर सिचुएशन बनी हुई है। हमें लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो आगे गहरा सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पर उनको खरीदारी का ही प्रयास रखना चाहिए। हमें लगता है कि $120-$121 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की ही सलाह हमें लगता है कि यहाँ पर ली जा सकती है जी। इसी के साथ अनुजी, बात करें यहाँ से अगर गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर में हमने आज कुछ हल्की बढ़त बनते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, क्या अब गोल्ड सिल्वर में भी कच्चे तेल की तरह ही यहाँ से धीरे धीरे ट्रेंड जो है पॉजिटिव होता जाएगा? देखिए, अभी कच्चे तेल की अगर बात करें या फिर गोल्ड सिल्वर को देखें तो यहाँ पर ट्रेंड हमें लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है वो आगे अभी और कायम रह सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो गोल्ड सिल्वर को भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बन रहा है वो अभी गोल्ड सिल्वर सभी के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए, हालांकि थोड़ा बहुत जो डिप आता है वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर में वो पॉजिटिव ही है। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर हम एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यू होते हुए देखेंगे जी। अनुजी, बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने निकल में कल भी जोरदार गिरावट बनते हुए देखी थी, आज भी देख रहे हैं 7.5% की गिरावट है MCX पर। आपको क्या लगता है, अब निकल में क्या ऐसे ही उठापटक वाला कारोबार रहेगा? देखिए, निकल में डोमेस्टिक फ्रंट पे वॉल्यूम तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस काउंटर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखें तो एज कम्पेयर काफी कम देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगर ट्रेड करना है तो बाकी बेस मेटल में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है। यहाँ पर भी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक स्टेबल मोड में है, हालांकि हमें लगता है कि एल्युमिनियम और कॉपर में लोअर लेवल से खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सभी मेटल में तेजी देखी है तो यहाँ पर भी खरीदारी रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कॉपर के भाव ऊपर में 820-822 तक के लेवल दिखा सकता है,
एल्युमिनियम के अंदर भी क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे शॉर्टेज चल रही है सप्लाई की, तो एल्युमिनियम के भाव ऊपर 283-284 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। तो एल्युमिनियम निकेल को अगर मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उसके बदले कॉपर और एल्युमिनियम में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी अनुजी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप? देखिए नॉन एग्री कमोडिटी में हमें लगता है कि गोल्ड ही रहेगा टॉप पिक में। गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं, जल्दी ही यहाँ पर 52,553 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 1950 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड रखा जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है 8,600-8,700 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं और 120 डॉलर तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। तो गोल्ड और क्रूड दोनों में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अनुज जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ कहाँ निवेश के मौके हैं, कहाँ कहाँ कमाई देखने को मिल सकती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कॉटन से। अनुज जी, हमने कॉटन में रिसेंटली तेजी आते हुए देखी है, काफी शानदार तेजी रही है 40,000 के ऊपर की। आपको क्या लगता है, क्या अब यहाँ से कॉटन में ऊपरी स्तर से फिर से मुनाफा वसूली बनेगी या फिर जो कॉटन की जो कीमतें हैं उनमें लगातार तेजी यहाँ से विटनेस की जाएगी? देखिए अभी कॉटन में हम तेजी देख रहे हैं क्योंकि यूएस में कई इलाकों में ड्रॉ सिचुएशन बनी है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने भावों में तेजी देखी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव का ही है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेंड रखना चाहिए। कॉटन अगर हम एमसीएस की बात करें तो हमारा मानना है कि ऊपर में 40,200-40,500 के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही कॉटन में लिया जा सकता है। जी अनु जी, जहां हम कॉटन में तेजी बनते हुए देख रहे हैं वही बिनौला खल में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। हम अक्सर देखते थे कि जब जब कॉटन में तेजी आती थी तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों को मिलता था, लेकिन इस बार कॉटन में अच्छी तेजी के बावजूद भी बिनौला खल में ज्यादा तेजी नहीं बन पा रही है, सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है। तो आपके अनुसार अब बिनौला खल में आगे कारोबार कैसे रहेगा, क्या बिनौला खल में अच्छी तेजी की उम्मीद कुछ अभी बची है? देखिए बिनौला खल के अंदर एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हालांकि नीचे में 3,000 और ऊपर में 3,400 ये रेंज हमने टाइट होते हुए देखी है। जब भी भाव 3,100-3,000 के आसपास आते हैं तो वहाँ खरीदारी देखने को मिलती है, और जब भी भाव 3,300-3,400 के आसपास जाते हैं तो वहाँ बिकवाली देखने को मिलती है। हमें लगता है कि यही रेंज के अंदर मार्केट घूमता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी कॉटन में तेजी आने की वजह से भाव कुछ उछाल की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में 3,260-3,280 तक के लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। जी ये सनु जी, बात करें अगर कैस्टर की तो कैस्टर का अप्रैल वायदा 7,200 के ऊपर है। हमने कैस्टर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, लेकिन अभी भी कैस्टर ऊपरी स्तर पर सस्टेन है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कैस्टर के फंडामेंटल्स हैं तो क्या तेजी उस हिसाब से आ चुकी है या फिर अब आगे और अच्छी तेजी आएगी? देखिए कैस्टर में यहाँ पर कंटिन्यू तेजी तो बनी है, मगर अगर आप देखेंगे तो करीबन 15-20 दिनों से एक टाइट रेंज में अटका हुआ है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी आवक स्टार्ट होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, भावों में अभी फिलहाल रेंज बाउंड रहेंगे और आवक बढ़ेगी तो भाव कुछ नरमी की तरफ ही हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि अभी फिलहाल कैस्टर में अगर ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव अगर 7100 के आसपास आते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं, और 7400 के आसपास आते हैं तो आप बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो एक कंटिन्यूस एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जी इसी के साथ अनु जी, मसालों की मैं बात करें तो मसाला कॉम्प्लेक्स में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से मसालों में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी थी, अब देख रहे हैं कि जीरे में कुछ खरीदारी लौटी है, 2% की बढ़त है, हल्दी 8300 से 85 पर आई है, वहीं धनिया 10,700 पर। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी मसालों में आने वाले कुछ समय में प्रॉफिट बुकिंग और बन सकती है? देखिए मसालों में भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही रही है, हालांकि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और क्रूड के भाव ऊपर आने की वजह से भी हमने पूरे मसालों पैक में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए निचले स्तरों पर। जीरा में हमें लगता है कि ऊपर में 21,500-21,600 तक के लेवल आ सकते हैं, और टर्मरिक की अगर बात करें तो 8,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जी इसी के साथ अनु जी, बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11,300 के ऊपर निकल चुका है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6149 का हाई लबी लगा चुका है।
अनुज जी देख रहे हैं कि ग्वार गम ग्वार सीड में फिर से जो कुछ कुछ तेजी है फिर से देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या 12,000 वाले लेवल्स फिर भी दोबारा से देखने को मिल पाएंगे ग्वार गम के अंदर? देखिए, छोटी मोटी तेजी तो यहाँ पर रहती है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट ग्वार का मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर में 11,600 और नीचे में 10,900। वहीं ग्वार सीड के भाव अगर देखें तो ऊपर में 6,300 और नीचे 5,700। ये टाइट रेंज काफी दिनों से मार्केट फॉलो कर रहा है और हमें लगता है कि इसी के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसका भी ट्रेंड जो है बायोन डिप्स का ही है, तो करंट रेट पे तो नहीं, भाव अगर नीचे मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, तो बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी रहेगी जी। अनुज जी यहाँ से बात करें अगर अब एडिबल ऑयल पैक की, तो सोयाबीन में हमने यूएस सोयाबीन वायदा को आज $1,700 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा है और घरेलू वायदा में भी सोयाबीन में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन जो कीमतें हैं अभी भी 7,400 के ऊपर ही हैं और यूएस सोयाबीन में लगातार तेजी है, ब्राजील में भी लगातार कटाई का काम जारी है, अर्जेंटीना ने अपने सोयाबीन का एक्सपोर्ट फिर से खोल दिया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या अब सोयाबीन का जो बाजार है वो और आगे तेजी की तरफ जाएगा या फिर यहीं पे ऐसी एक रेंज में रहेगा? अभी ये सोयाबीन के बाजार में हम ओवरऑल देखें तो मार्केट एक रेंज में ही है, मगर यहाँ पर हमने एक बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि सोयाबीन में निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, दूध के भाव ऊपर आए हैं, तो सोयाबीन में भी तेजी रह सकती है। हमें लगता है कि जल्दी यहाँ पर 7,600 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में आवक बढ़ेगी, मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रख सकते हैं। करंट रेट से 200-300 रुपए, मतलब 7,600-7,700 तक के लेवल हम सोयाबीन में देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, हमें लगता है छोटी अवधि में अभी खरीदारी का मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है जी। अनुज जी एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप? देखिए, एग्री कम्युनिटी में मसालों के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा ऊपर करीबन 21,500-21,700 तक के लेवल को दिखा सकता है। वहीं ग्वार के अंदर भी बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, ऊपर में 6,200 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए जी। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में कहां पर निवेश के मौके हैं और उन पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।